हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी ऐसे स्पॉटलेस वाला स्किन चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपका स्किन में अगर बहुत ज़्यादा स्पॉट है और अंडर आई प्रॉब्लम है तो इस रेमेडी यूज करने से आपका सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इस नेचुरल क्लींजर बनाने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीज़ की ज़रूरत होगी, एक है पोटैटो और दूसरा है मिल्क। पोटैटो में स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके स्किन में एज से पहले झुर्रियाँ आ जाती है तो इस पोटैटो के जूस यूज करने से आपका स्किन का जो सारे दाग धब्बे दूर हो जाएगा। पोटैटो को ऐसे ही दो पीस में कटिंग करके आपको अच्छे से पील अप कर लेना है। देखो मैं कैसे पील अप कर रही हूँ, इस तरह से ही आप लोगों को पील अप कर लेना है। इस पोटैटो जब तक पील हो रहा है आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। पार्लर में जाके तरह तरह की केमिकल वाला ट्रीटमेंट कराते हो लेकिन वो ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रहता आपके स्किन के ऊपर। लेकिन मैं आज जो आप लोगों को बता रही हूँ ये आपको स्पॉटलेस वाला निखार देगा आपके स्किन के ऊपर। आप इस क्लींजर को बेफिक्र होके रोज भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये एक नेचुरल स्किन व्हाइटनिंग क्लींजर है। मिल्क में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, आपका स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो सॉफ्ट कर देगा, ग्लोइंग वाला निखार देगा अंदर से आपका स्किन को। आप इस क्लींजर को फेस पे नहीं पूरे बॉडी पे यूज कर सकते हो। ये क्लींजर तो विंटर सीजन के लिए और भी बेस्ट है क्योंकि मिल्क में स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है और स्किन को मॉइस्चराइजर भी देती है। मैं और एक चीज़ बताना भूल गई आप लोगों को, जो पिंपल होके छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट हो जाती है उसे भी ये क्लींजर यूज करने से दूर कर देगा। इस नेचुरल क्लींजर एक दिन में असर नहीं करेगा आपके स्किन के ऊपर, आप 4 या 5 दिन यूज करने के बाद ही असर मिलेगा। देखो पोटैटो भी पील हो गया है, अभी हम उसका जूस को निचोड़ लेंगे। मैं थोड़ा सा क्वांटिटी में कर रही हूँ इसीलिए हाथों से ही कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो कोई भी स्ट्रेनर का यूज कर सकते हो। देखो मैं इस तरह से ही जूस को निचोड़ रही हूँ, ऐसे ही करना है आप लोगों को भी। देखो मिल्क में सारे कैसे मिक्स हो गई, अच्छे से आप लोगों को और थोड़ा सा मिक्स करना है। इस क्लींजर तो बन के रेडी हो गया, अभी हम इसे यूज कैसे करें वो भी मैं बताऊँगी आप लोगों को। को थोड़ा सा कटन लेना है और कटन में वो क्लींजर के ऊपर डिप करके आपको अप्लाई करना है। पहले फेस को वॉश कर लेना है कोई भी फेस वॉश से, उसके बाद आपको अच्छे से अप्लाई करना है। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, इस तरह से ही आप लोगों को अप्लाई करना है। अप्लाई करने की 15 मिनट्स या 30 मिनट्स बाद आपको वॉश कर लेना है। फिर देखो ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा आपका स्किन, आप खुद यकीन नहीं करेंगे। आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।